नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10, 12 प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट एंड अदर स्टूडेंट्स, तो सीबीएसई की तरफ से क्या खबर निकल कर आ रही है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। साथ साथ आपके ऑनलाइन एग्जाम को लेकर, ऑफलाइन एग्जाम को लेकर, टर्म 1 की डेट शीट को लेकर, आपके मार्कशीट, डिजी लॉकर को लेकर, यहाँ पर बहुत सारे आपके डाउट्स हैं और उनकी क्वेरी को लेकर आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ और साथ साथ आपके कुछ ऑथेंटिक एडवाइस देना चाहता हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कंप्लीट वॉच करना। सबसे पहले बात करता हूँ, सीबीएसई ने यहाँ पर एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें सीबीएसई ने यहाँ पर मेंशन किया है कि कितने स्टूडेंट क्लास में बैठेंगे, कैसे कैसे एग्ज़ाम होंगे, क्या क्या पैटर्न है और यहाँ पर क्या क्या होगा। तो इस हिसाब से पता चल रहा है कि जो आपके एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड पे होंगे। अब मैं यहाँ पर आपके साथ व्यू के लिए खेलना नहीं चाहता, आपकी फीलिंग के साथ। आपको हर्ट होगा तो मैं जानता हूँ होगा, लेकिन बात जो सच है सच है। सीबीएसई पूरी तैयारी में है कि आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम हो। हालांकि हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या आवाज़ है, वो मैं हम सब जानते हैं कि आपकी आवाज़ है कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। लेकिन यहाँ पर भी बहुत कन्फ्यूज है क्योंकि 50% स्टूडेंट चाहते हैं कि ऑफलाइन हो, 50% स्टूडेंट चाहते हैं ऑनलाइन हो। इस चीज़ के ऊपर बातें नहीं करना चाहता। सीबीएसई ने यहाँ पर अपडेट किया है कि जो आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है, टर्म 1 के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो स्कूल में ही होगा, ठीक है। बाहर से टीचर नहीं आएंगे, आपके जो स्कूल के टीचर होंगे वही आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। अब बात करता हूँ जो स्टूडेंट पुराने वाले हैं, जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट स्टूडेंट हैं, उनका जो प्रैक्टिकल मार्क्स आए थे उनका यहाँ पर वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा इस बार प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम है उसमें जो आपका टर्म 2 का जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें यहाँ पर सीबीएसई कंडक्ट कराएगी, बाहर से टीचर आएंगे वो आपके कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी अपडेट है। करते हैं टर्म 1 की डेट शीट को लेकर के, डेट शीट कब आएगी, तो आज आने वाली है, अब आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, ज़्यादा चांस है। इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है। तो सीबीएसई के यहाँ पर लेट प्रोसेस चल रहा है और सीबीएसई के ने कहा स्कूलों को लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिट करना है, क्या आगे प्रोसेस है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सीबीएसई इस चीज़ पे काम कर रही है, अपडेट आने वाली है। लेकिन ऑथेंटिक अपडेट किसी के पास नहीं कि डेट शीट कब आएगी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मिसगाइड हो रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डेट शीट को लेकर आप लोग ज़्यादा मतलब कि चिंतित ना हो, ज़्यादा परेशान नहीं हो, अपनी टर्म 1 के एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। मैं ऐसा आपको इसलिए कह रहा हूँ कि टर्म 1 की आपका जो एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केस इन फ्यूचर अगर आपका टर्म 1 टर्म 2 का एग्ज़ाम नहीं होता है, तब जो आपका टर्म 1 का जो मार्क्स आएंगे वो टर्म 1 की जो परफॉर्मेंस होगी आपके उसी के बेस पे आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। और यहाँ पर सीबीएसई ने पहले ही सर्कुलर जारी करके कह चुका है कि आपके जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो टर्म 1 और टर्म 2 के बेस पे बनेगा। तो अगर आप टर्म 1 में ही अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाते हो, टर्म 1 में अगर आप फंस जाते हो, कन्फ्यूज रहते हो, आप सोचते हो कि अब करूँगा पढ़ाई, अब स्टडी करूँगा, जब मार्क्स शीट आएगी, जब डेट शीट आएगी तब पढ़ाई करूँगा, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि आप के साथ क्या हो रहा है और आपके साथ मिस गाइड हो रहा है। आप तरह तरह की YouTube पे वीडियो देखोगे, तरह तरह के अपडेट देखोगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा कि आप यहाँ पर पढ़ाई कर लो और टर्म 1 की जी जान से तैयारी कर लो, क्योंकि अगर इन केस कोरोना की थर्ड वेव आ जाती है, कोरोना वायरस ज़्यादा फैल जाता है, तो अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं टर्म 2, तो टर्म 1 का जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसी के बेस पे आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई शुरू कर दो, अभी किसी चीज़ का भी वेट मत करो। अब कुछ स्टूडेंट हैं, अब कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आए थे, कह रहे थे सर प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट का जो अभी फॉर्म आएगा और उनका एग्ज़ाम क्या होगा, उनका टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा या मतलब कि जो उनका सब्जेक्टिव था पहले ऐसा वैसा होगा। इस चीज़ को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपडेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक है कि जैसे सीबीएसई ने अभी सर्कुलर जारी कर कहा था, सीबीएसई ने कहा था कि यहाँ पर जो प्राइवेट क्रेडिट के एग्ज़ाम है उनका टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा। अब साथ साथ अगर तुम्हारा एडमिशन होगा, अगर आपका भी फॉर्म फिलअप होगा, एडमिशन होगा, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी तो टर्म 1 का ही होगा। लेकिन इस चीज़ को लेकर मैं कंफर्म नहीं हूँ और मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, मेरी कोई टीम नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन आपको टर्म 1 की तैयारी ही करना चाहिए, यहाँ पर ये जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि इस बेस पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। अब बात करता हूँ फॉर्म को लेकर कि प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के जो स्टूडेंट है वो फॉर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं कि उनका फॉर्म कब आएगा। तो इस चीज़ को लेकर भी अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, हालांकि यहाँ पर टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो टाइम है आपका 30 अक्टूबर तक, यहाँ पर आपके आने के चांसेस हैं फॉर्म के, अब 30 अक्टूबर तक आ जाए, लेकिन उम्मीद है कि आ जाए जल्दी। लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर कंफर्म नहीं हूँ कि 30 अक्टूबर का ही आपका फॉर्म आ जाएंगे। तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि आपके लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन आपके लिए यहाँ पर मतलब कि कुछ और चीज़ करना, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हो, अपनी प्रिपरेशन करते हो, आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।